हेलो फ्रेंड्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन, और उनसे पहले वाली वीडियो के अंदर हम एल्केन के आईयूपीएसी नेम को कंप्लीट क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कि हाउ कैन वी राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्केन, कि हम किसी भी एल्केन के आईयूपीएसी नेम को किस प्रकार से राइट डाउन, किस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, कुछ प्रैक्टिस की होगी। इसी वीडियो को हम क्या करते हैं बेटा, इस लास्ट वीडियो को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं, इसके अंदर बात करेंगे बेटा लोवेस्ट सम ऑफ रूल की, और उसके साथ जो आपके एल्केन का जो कंसेप्ट है वो भी आज क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा बेटा। तो देखिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद लोवेस्ट सम ऑफ रूल के ऊपर क्या करेंगे बेटा डिस्कस करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि CH3, CH2, CH3, CH2, CH, double bond, CH, CH3, और इधर मैंने लिख दिया CH2, CH3। ये आपके पास कोई भी कंपाउंड रहता है एल्कीन का, और आपको बोलना है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, तो आप किस प्रकार से एल्कीन के आईयूपीएसी नेम को क्या करोगे बेटा, एक्सप्लेन करोगे। तो उसके लिए हमने रूल बोला हुआ बेटा कि सबसे पहले क्या करो कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन, कि सबसे पहले सबसे लंबी लगातार कार्बन एटम की जो चेन बनती है पहले उसको क्या करो बेटा, सेलेक्ट कर लो। यानी कि आपका जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो क्या है बेटा, चाहे आपके एल्केन का नाम हो, चाहे आपके एल्कीन का नाम हो, चाहे आपके एल्काइन का नाम हो, चाहे किसी फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेम हो बेटा, आपका जो पहला कंसेप्ट रहेगा वो यही रहेगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन का क्या करना है, चुनाव करना बेटा। यू शुड हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन इन योर फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे लंबी कंटिन्यू कार्बन चेन का क्या करोगे बेटा, चुनाव करोगे। अब यहाँ पर आपका ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है बेटा, एल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है आपका, एल्कीन ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम उस कार्बन चेन का चुनाव करेंगे जिस कार्बन चेन के अंदर आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाए, शामिल हो जाए। वी शुड हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन इन विच डबल बॉन्ड इंक्लूड, कि हमें उस कार्बन चेन का चुनाव करना है जिस कार्बन चेन के अंदर आपका डबल बॉन्ड भी क्या हो रहा हो बेटा, इंक्लूड हो रहा हो, और वो कार्बन चेन क्या हो बेटा, लंबी से लंबी हो। तो देखो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर मैं स्टेप चेन लेता हूं तो ये वैसे वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड शामिल नहीं हुआ बेटा। तो इससे डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए लंबी चेन ले रहे बेटा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर मैं ये चेन लेता हूँ जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी शामिल है तो मेरी बनती है नो कार्बन की चेन। कितने कार्बन की चेन बनती है, ये नो कार्बन की चेन बनती है बेटा। और अगर मैं ये लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो ये कितने कार्बन की चेन बनती है बेटा, 8 कार्बन की चेन बनती है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी होगी, ये जो चेन होगी आपकी कौन सी चेन कहलाएगी बेटा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन। और इस चेन को हमने किसका नाम दिया था बेटा, कल पेरेंट चेन का नाम दिया था, ध्यान है या नहीं। कौन सी चेन कहलाती है बेटा, ये आपकी, ये आपकी पेरेंट चेन कहलाती है। कल हमने बोला था पेरेंट चेन के समझाने के लिए हमें याद रखनी है, एग्जाम के अंदर हमने बताना नहीं है कि आपकी पेरेंट चेन है एग्जाम के अंदर, तो हम डायरेक्ट अपनी सेलेक्ट द चेन, चेन सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटा, क्लियर है। तो ये आपकी क्या होगी बेटा, पेरेंट चेन होगी। अब हमें क्या करना है बेटा, नंबरिंग इस हिसाब से करनी है, सेकंड रूल को फॉलो करेंगे, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द डबल बॉन्ड कैन द लोएस्ट नंबर। नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि डबल बॉन्ड को क्या मिले बेटा, कम से कम नंबर। अब डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलने का मतलब भी हमने कल समझाया था कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलने का मतलब है कि उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले जिस कार्बन से आपका डबल बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलने का मतलब हमने कल बताया था कि उस कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए जिस कार्बन से आपका डबल बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब या तो कम से कम नंबर इस कार्बन को मिलना चाहिए या फिर कम से कम नंबर इस कार्बन को मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बाद ही आपका डबल बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं उस साइड से नंबरिंग करता हूं तो देखिएगा डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला बेटा, 7वां नंबर मिला है। जब मैं यहां से नंबरिंग करता हूं बेटा, जब मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड को 7th पोजीशन मिलती है बेटा।
और जब मैं नंबरिंग करता हूँ राइट हैंड साइड से तो 1 2 डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिलती है बेटा, 2 नंबर पोजीशन मिलती है, तो कौन सी सही है बेटा, 2 वाली सही है ना, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे। तो जब हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये बन गया बेटा आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और ये कौन सा बेटा आपका नाइन। क्लियर, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल गया। अब क्या लिखेंगे बेटा, इनका नाम लिखेंगे। अब नाम लिखने के लिए एक फार्मूला होता है बेटा, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स का, उसके बाद वर्ड रूट का, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स का, और फिर किसका आएगा बेटा आपकी स्टैंडर्ड सफिक्स का नाम। यही तो फार्मूला कल हमने रिपीट किया बेटा, सभी आईयूपीएससी नेम को लिखने के लिए हमें इसकी फार्मूले को तो फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफिक्स का नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स का, और लास्ट में किसका नाम लिखेंगे बेटा, हम स्कैंडर्ड सफिक्स का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर परफिक्स कौन होते हैं बेटा, परफिक्स वो होते हैं वो चेंज ऑफ पेरेंट चेंज में शामिल नहीं हुई है बेटा। तो इसका मतलब ये और ये जो आपको तीन चेन नजर आ रही है बेटा, ये तीनों चेन किसका काम करेंगी, परफिक्स का काम करेंगी। क्या तीनों चेनों में कार्बन आइटम की संख्या सेम है, नहीं है, इन दोनों में तो कार्बन आइटम की संख्या एक एक है और यहाँ पर कार्बन आइटम की संख्या दो है। तो जब आपके अलग अलग प्रकार के परफिक्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका नाम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं बेटा, अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। दो कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इस ग्रुप का नाम होगा इथाइल। एक एक कार्बन है तो इस ग्रुप का नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल, इसका भी मिथाइल और इसका भी मिथाइल। तो अल्फाबेट में भी पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे। कितने कार्बन पर है बेटा, 6 नंबर कार्बन पे है, क्योंकि हमने लिखा बेटा 6 मिथाइल कॉमा। अब मिथाइल ग्रुप कहां कहां पर, एक 6 पर और एक 7 पर है, तो 6 7 डाई मिथाइल, ये भी हो गया। कितने कार्बन की चेन बनी है, क्योंकि परफिक्स के बाद किसका नाम आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होती है बेटा, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, बाय पेरेंट चेन में कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है वो आपकी क्या कहलाती है बेटा, वर्ड रूट कहलाती है। कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है बेटा पेरेंट चेन में, नो है, तो नो के लिए क्या वर्ड रूट यूज करते हैं, नन। तो ये हो गया बेटा आपका नन। क्लियर है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा, प्राइमरी सफिक्स बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो आपकी चेन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो आप बोलते हो सर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, 2 नंबर पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हम लिख देंगे बेटा 2। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, इन फंक्शनल ग्रुप अभी हमारे पास है नहीं, स्कैंडर्ड सफिक्स हमारे पास है नहीं, तो ये क्या हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, 6 इथाइल, 6 7 डाइमिथाइल, नन, 2 इन। ये क्या हो गया बेटा, इस कंपाउंड का क्या आ गया बेटा आज आईयूपीएसी नेम। क्लियर। और देखते हैं, एक और कंपाउंड लेते हैं बेटा एसआई, उसके बाद लोएस्ट सम अप फिनिश करेंगे भाई। देखो बाल हमने यहाँ पे लिखा कि CH2 डबल बॉन्ड CHC, CH2CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे लिख दिया है CH2 CH2 CH3, यहाँ पे मान हमने लिख दिया बेटा CH3। क्लियर है। पर हमसे बोला गया है इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम बताओ। अब यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखो तो इस कंपाउंड के अंदर आपके दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा। कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, दो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या है बेटा प्रेजेंट है। तो इन दोनों डबल बॉन्ड को किस प्रकार से इंक्लूड करो कि लॉन्गेस्ट चेन भी बन जाए और दोनों डबल बॉन्ड शामिल भी हो जाए। तो आप क्या करो बेटा, यहाँ से चेन बनाने स्टार्ट करो, इस प्रकार से चेन बनती हुई ये बन जाएगी बेटा आपकी चेन। क्लियर है। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये वो चेन होगी जिस चेन के अंदर आपका डबल बॉन्ड क्या हो गया बेटा, इंक्लूड हो गया। क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्ड आपका, सॉरी, यहां से आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, इंक्लूड हो जाएगा। ये दोनों डबल बॉन्ड शामिल हो गए इस चेन के अंदर। अब हमें क्या करना है बेटा, सेकंड रूल फॉलो करना है। सेकंड रूल क्या बोलता है कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द डबल बॉन्ड गेट द लोएस्ट नंबर। कि नंबरिंग इस साइड से करनी है कि डबल बॉन्ड को क्या मिले बेटा, कम से कम नंबर मिले। अब बोलते हो सर दो डबल बॉन्ड है, किसको कम नंबर मिले, किसी को भी कम नंबर मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, किसी भी डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, क्योंकि ग्रुप तो सेम है ना आपका डबल बॉन्ड, चाहे कैसा भी हो सेम होता है बेटा।
तो बताइएगा कि साइड से नंबरिंग करें भाई, साइड से नंबरिंग करते हैं तो डबल बोर्ड को 1 2 दूसरा नंबर मिलता है, और यहाँ पर डबल बोर्ड को पहला ही नंबर मिलता है, तो कौन सा कंप्यूटर है ये वाला? कम है तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे? तो ये होगा बेटा आपका फर्स्ट कार्बन, ये होगा सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवंथ। नाम लिखो बेटा परफिक्स तीन पर। अब देखो बेटा नीचे वाले परफिक्स में कितने कार्बन है? तीन, तो प्रोपाइल बी से स्टार्ट होगा, मिथाइल एम से स्टार्ट होगा। अब अल्फाबेट में पहले कौन आता है बेटा बताओ? नहीं पता लगा, मैं बता दूं, एम आता है, क्लियर है? तो एम को क्या मिलना चाहिए? हम नंबर कितने पर है? तीन पर है, तो क्या हो गया? थ्री मिथाइल, थ्री पर ही कौन आ गया? प्रोपाइल, थ्री प्रोपाइल। वर्ड रूट कितने के बने हैं? सात, सात के लिए क्या लगाएंगे? है। अब डबल बोर्ड कहां पर बेटा? एक तो एक नंबर पे है और एक आपका पांच नंबर पे है भाई। एक तो एक के बाद स्टार्ट और एक पांच के बाद स्टार्ट है, एक और पांच कितने हैं? दो हैं, दो के लिए डाई और तीन ग्रुप डबल बॉन्ड के लिए। तो ये क्या हो गया? इसका यूपीएस नियम हो गया, थ्री मिथाइल, थ्री प्रोपाइल है, 1 5 डाई इन, डाई क्यों हो गए? क्योंकि दो ग्रुप है, कौन से? इन ग्रुप। कितने हैं? दो हैं, तो इसलिए हमने क्या बोला बेटा इसको? डाई इन। तीन होते तो ट्राइन, चार होते तो टेट्राइन, पांच होते पेंटाइन, एक ही होता तो डाई इन ही बोलते बेटा इसे, क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास दूसरा एक और ऐसा एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू सी सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो भाई सी एच टू सी एच थ्री, यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो सी एच थ्री, यहाँ पे हमने लिख दिया भाई सी एच थ्री, यहाँ पे हमने लिख दिया सी एच, क्लियर है? और हमसे बोले इस कंपाउंड का क्या बताओ? आईयूपीएसी नेम बताओ। तो सबसे पहला काम क्या है इसका? कि वो चेन छाट लो जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाए, शामिल हो जाए, और वो क्या हो बेटा? लंबी से लंबी चेन हो। तो यहाँ से देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 मैं इस साइड तो जाए सकता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है बेटा, तो दोनों डबल बॉन्ड शामिल कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो सबसे लंबी चेन आपकी कितने कार्बन की आ गई बेटा? 9 कार्बन की आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन आ गई है। ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन है, कितने कार्बन की है? 9 कार्बन की। बेटा अगर किसी को अभी पहला रूल नहीं निकाला आ रहा है, इनकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करनी आ रही, तो उसका आईयूपीएसी नेम कभी भी नहीं आएंगे बेटा, हमेशा गलत रहेंगे। रूल भले ही याद हो जाए, इनकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। सेकंड रूल क्या बोलता है? डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, तो डबल बॉन्ड को एक नंबर मिल गया और इससे कम क्या मिलेगा बेटा? क्लियर है? तो नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कौन सा हो गया आपका? 9। अब ये भी आपका परफिक्स, ये भी परफिक्स, ये भी परफिक्स, ये भी परफिक्स, ये परफिक्स दो कार्बन का, बाकी एक एक कार्बन के, तो दो कार्बन का तो नाम क्या होगा? इथाइल। एक कार्बन का नाम है तो मिथाइल, तो इको पहले लिखेंगे। कितने नंबर पर है? 4 नंबर पे है, तो नाम हो गया 4-ethyl, 4-7-7, 4-7-7 ट्राई मिथाइल, 4-7-7 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 9 की, तो नन। डबल बॉन्ड एक तो एक नंबर पे है, एक पांच नंबर पे है, 1 5, दो है तो डाई, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? इन। ये हो गया बेटा आपके कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम, क्या नाम हुआ? 4-ethyl 4-7-7 ट्राई मिथाइल नन 1 5 डाई इन। अब बात करते बेटा सर लोएस्ट सम अप रूल कब लगता है, कैसे लगेगा? तो देखो बेटा हम डिस्कस करेंगे अब लोएस्ट सम अप रूल की, और उसके साथ आपके एल्कीन के आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे बेटा। तो लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन का लास्ट पॉइंट जिसको हम बोलते बेटा लोएस्ट सम अप रूल। बेटा एल्केन के अंदर भी हमने लोवेस्ट सम अप रूल के ऊपर डिस्कस किया था। एल्केन में हमने बोला था कि लोवेस्ट सम अप रूल तब लगेगा जब दोनों साइड की नंबरिंग करने पर आपका सेम पैराफिक्स
सेम पोजिशन पर आता है तो आपका कौन सा रूल लगता है बेटा, लोवेस्ट सम अप रूल लगता है। वही कंडीशन आपकी यहाँ पर होने वाली है बेटा। यहाँ पर मेन प्राथमिकता देखो एलकेन के अंदर मेन प्रेफरेंस किसको दी गई थी, ध्यान दो कि नंबरिंग के आधार पर नंबरिंग किस सेट से स्टार्ट करेंगे और किसके आधार पर की जब अपने प्रीफिक्स के आधार पर, यानी कि वहां पर जो आपका डोम था वो कौन था आपका प्रीफिक्स था। यहाँ पर आपका डोम कौन रखता है, यहाँ पर आपका डोम रखता है आपके एल्केन यानी कि डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी आपके डबल बॉन्ड को दी जाएगी। तो देखो बेटा लोवेस्ट सम अप रूल कब काम करेगा, इसने बोला कि आपके पास चेन है, आपने दोनों साइड से नंबरिंग की और दोनों साइड से नंबरिंग करने पर अगर आपके डबल बॉन्ड को क्या मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए, तो आप किसको यूज करोगे बेटा, लोवेस्ट सम अप रूल को यूज करोगे। किसको यूज करोगे बेटा, लोवेस्ट सम अप रूल को यूज करोगे। जैसे हमने यहां पर लिखा सी एच थ्री सी एच सी एच टू सी एच सी सी एच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच थ्री, मान लो ये बेटा आपके पास, इधर भी कर दो आप सी एच टू सी एच थ्री, इधर भी कर दो सी एच थ्री। इस कंपाउंड का क्या लिखना, आईयूपीएसी नेम लिखना बेटा। तो सबसे पहला रूल क्या लगाओ बेटा, पहला रूल लगाओ कि सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो जिसके अंदर दोनों डबल बॉन्ड क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आपकी क्या मिलता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन आ गई जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड क्या हो गया बेटा, इंक्लूड हो गया शामिल। क्लियर। अब नंबरिंग करें तो यहां से नंबरिंग की बेटा 1 2 3 डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिला, और यहां से करते तो 1 2 3 यहां से डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला, तीसरा नंबर मिला। तो वही तो हमने बोला था बेटा कि जब दोनों साइड की नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को सेम नंबर मिले तो कौन सा रूल लगेगा बेटा, आपका लोवेस्ट सम अप रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा बेटा, वहां पे आपका लोवेस्ट सम अप रूल लगेगा। और लोवेस्ट सम अप रूल क्या बोलते हैं, लोवेस्ट सम अप रूल बोलते हैं, लोवेस्ट सम अप रूल बोलते हैं बेटा कि जब दोनों साइड की नंबरिंग करने पर आपका ग्रुप सेम पोजिशन पर आए तो आप दोनों साइड की पोजिशन के नंबर को क्या करो, ऐड करो बेटा। तो एक बार इस साइड के ऐड करो बेटा, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड तीन नंबर पे आया, प्लस 4 5 5 पर दो ग्रुप आ गए, 5 प्लस 5 ये दोनों, 6 7 8 प्लस 8 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की नंबरिंग करने पर ये नंबर आ गए 5 8 16 21। लेफ्ट राइट साइड से सम कितना है बेटा, 21 डबल बॉन्ड की पोजीशन का सम प्लस में प्रीफिक्स की पोजीशन का सम कितना है बेटा, 21। अब एक बार राइट से करो बेटा, राइट से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कौन सा हो जाएगा बेटा आपका 9। क्लियर है। तो इसको ऐड करते हो तो हो गया बेटा 3 प्लस 7 पर दो ग्रुप हो गए 7 प्लस 7 एक ग्रुप आपका 9 पर आ गया बेटा, सॉरी एक आ गया बेटा आपका 8 पर, 8 इज इक्वल टू, अब इसको काउंट करो बेटा 1825 हो गया ये आपका कंपोजर लेफ्ट वाला का। मैं तो आप क्या करोगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर दोगे, किस साइड से नंबरिंग करोगे बेटा आप, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करोगे तो आपकी नंबरिंग ये बनेगी बेटा इधर से। तो इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये कौन सा हो गया 11, ये मिथाइल है ये इथाइल, इथाइल को पहले लिखेंगे तो नाम हो गया 5 मिथाइल 5 मिथाइल 5 मिथाइल 5 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 11 कार्बन की चेन है तो अनडेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक का इस्तेमाल करते हैं सर, 12 के लिए डूडेक, इस प्रकार से लगातार आगे बढ़ेंगे अनडेक। कितने कितने कार्बन पर है बेटा, 3 पर और 8 पर, 3 8 डाई इन, क्या नाम हो गया इसका 3 8 डाई इन, ये कौन सा बनता है बेटा, ये बनता है आपका लोवेस्ट सम अप रूल। क्या बनता है बेटा, ये आपका लोवेस्ट सम अप रूल। और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इस कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को क्या किया है हमने एक्सप्लेन किया। एक और एग्जांपल लेते हैं लोवेस्ट सम अप रूल्स को समझने के लिए, हमने यहां पे लिखा है कि सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच CH3
यहाँ पे मान लो हमने लिखा है बेटा सी एच थ्री, यहाँ पे लिखा है सी एच टू सी एच थ्री, ठीक है। अब देखो बेटा तो लोवेस्ट चेन तो आपकी हो जाएगी। अब यहां से नंबरिंग करो वन टू, दो नंबर मिलता है वन टू, यहां से दो नंबर मिलता है। जब सेम साइड से सॉरी जब दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सेम ग्रुप को सेम नंबर मिले तो कौन सा रूल लगता है बेटा आपका लोवेस्ट। तो एक बार यहां से नंबरिंग करो वन टू, टू पर प्लस थ्री फोर, फोर पर दो ग्रुप आ गए, फाइव सिक्स प्लस सिक्स पर आ गया, तो इसको हम काउंट करते थे तो गए सिक्सटीन। कहां से लेफ्ट हैंड साइड से। अब एक बार राइट हैंड साइड से करो वन टू, दो प्लस थ्री फोर फाइव, फाइव पर दो आ गए बेटा, फाइव प्लस फाइव सिक्स प्लस सिक्स, इसको हम काउंट करते हैं तो ये हो गया बेटा सेवन ट्वेल्व एटीन। तो कौन सा नंबर बेटा लेफ्ट वाला का है, लेफ्ट वाला का मतलब नंबरिंग किस साइड से करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये हो गया बेटा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, और ये कौन सा कार्बन हो गया बेटा आपका एट्थ नंबर कार्बन। ये हो गया बेटा फोर पर दो ग्रुप आ गए, फोर मिथाइल, फोर इथाइल, कितने कार्बन की चेन बनी आज की, आज के लिए हो डबल बॉन्ड दो पर है, फोर छह पर है, डाई और क्या लगा देंगे। ये थे बेटा आपके एल्कीन के आईयूपीएसी नेम। उम्मीद करता हूं कि एल्कीन का जो कंसेप्ट है वो आपकी समझ में आ गया होगा, सेम कंसेप्ट आपका यूज किया जाएगा किसके अंदर, एल्काइन के अंदर। बेटा इस वीडियो के अंदर इतना ही, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ये आईयूपीएसी नेम आपके उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। कल मैं एक प्रैक्टिस सेट दूंगा जिसके अंदर आपके एल्केन और एल्कीन दोनों के आईयूपीएसी नेम को क्या करना होगा बेटा आपको सोल्व करना होंगे। डू प्रैक्टिस, मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू।